अजमेर में लोकसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों और दिग्गजों का आना जाना लगा हुआ है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अजमेर पहुंचे, जहां त्रिवेदी ने अजमेर के स्थानीय व्यापारियों की एक बैठक ली, जिसमें त्रिवेदी ने घोषणा पत्र में व्यापारियों की सहूलियत को लेकर बखान किया। त्रिवेदी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 4 महीने में कांग्रेस सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को खत्म कर दिया। चुनाव को लेकर और पाकिस्तान को लेकर भी त्रिवेदी ने कई मुद्दों पर चर्चा की। कल प्रथम चरण के चुनाव का मतदान भी संपन्न हो गया। पूरे देश में मुझे यह आभास हो रहा है कि केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार चल रही है, उसकी जन कल्याणकारी नीतियों के चलते हुए एक अपार जन समर्थन भाजपा और श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में मैं जोधपुर, पाली, राजसमंद और आज अजमेर में हूँ, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार का भाव पूरे देश में है, राजस्थान में ठीक उसी प्रकार से अपूर्व जन समर्थन श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।